एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो प्रीवियस क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। इस क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रायसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए 2, -2 एंड बी -7, -4। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं पॉइंट ऑफ ट्रायसेक्शन के, जिसमें लाइन जॉइन कर रही है वो लाइन क्या है, ए बी। यहाँ पे हम देखते हैं एक लाइन है ए बी, ए के पॉइंट्स हमें गिवन है 2, -2, बी के पॉइंट्स गिवन है -7, -4। ये लाइन जो है वो ट्रायसेक्शन में डिवाइडेड है, मतलब ये ट्रायसेक्शन हो गया, 3 सेक्शंस हो गए। अब ये जो दो पॉइंट्स है इनको हम ऐड कर लेते पी क्यू, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। अब इनका रेशियो क्या होगा ये ट्रायसेक्शन में, अगर हम पी के लिए देखें तो यहाँ पर ए पी और पी बी ये किस रेशियो में बढ़ रहा है, 1:2। वैसे ही क्यू के लिए देखें तो ए क्यू और क्यू बी ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 2:1। तो पहले हम ए पी और पी बी, जब पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसी लाइन सेगमेंट को, उसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। When P divides the line segment AB, यहां पर हम क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, mx2 + nx1 / m + n। ये हो गया x कोऑर्डिनेट के लिए। y कोऑर्डिनेट के लिए my2 + ny1 / m + n। जब हम P पॉइंट को ले रहे हैं तो रेशियो हमारे पास क्या है, 1:2, मतलब mn क्या है, 1:2। और पॉइंट्स A और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 और x2 y2। अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं, m मतलब रेशियो क्या हो गया, 1 into x2, 1 into -7 -7 + nx1, n क्या है, 2 into 2, 2 × 4 / m + n, 1 + 2। फिर my2, m 1 into 4, 4 + ny1, 2 into -2, -4 / 1 + 2। अब -7 + 4 क्या हो जाएगा, -3 / 1 + 2, 3 4 - 4, 0, 0/3, 0 ये कैंसिल, क्या बचा, -1। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -1, 0। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, -1, 0। अब हमें क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो अगेन फॉर्मूला यही यूज करेंगे हम। यहां पे क्या हो जाएगा, व्हेन क्यू डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी, व्हेन क्यू डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी। अब रेशियो हमारे पास क्या है, 2:1, 2:1 को यूज करेंगे, फॉर्मूला सेम, m x2, 2 × 7 = 14 - 14 + nx1, 1 × 2, 2 डिवाइडेड बाय, रेशियो क्या है, 2:1, मतलब mn क्या हो जाएगा, 2 + 1। अब y कोऑर्डिनेट्स के लिए देखेंगे तो my2, 2 × 4 = 8 + ny1, 1 × -2, -2 होल के अपॉन में अगेन m + n, 2 + 1। यहां पर -14 + 2 - 12 डिवाइडेड बाय 2 + 1, 3 8 - 2, 6 डिवाइडेड बाय 3 3 × 4 = 12 -4 और 3 × 2 = 6 -4, 2। जब P डिवाइड कर रही थी लाइन सेगमेंट ए बी को तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकले, -1, 0। और जब Q डिवाइड कर रही थी लाइन सेगमेंट ए बी को तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, -4, 2। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ
A, B, C, D are the vertices of a parallelogram A, B, C, D. Find the values of A and B, hence find the length of its side. यहाँ पर पैरोग्राम की वर्टाइजेस हमें गिवन है, यहाँ हम पैरोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी डी. पॉइंट्स हमें गिवन है, ए पॉइंट जो है वो है -2,1, बी ए कॉमा जीरो, सी 4,बी, डी 1,2. अब जब पैरोग्राम है तो उसके डायगोनल्स क्या होती है, बाइसेक्ट ईच अदर. क्या लिखेंगे हम, डायगोनल्स ऑफ पैरोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. पैरोग्राम के डायगोनल्स क्या होती है, बाइसेक्ट ईच अदर. तो दोनों डायगोनल्स को हम इक्वल में रख सकते हैं. यहां पे क्या लगाएंगे हम, मिड पॉइंट ऑफ AC is equal to midpoint of BD. यहां पे दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही है अगर, तो दोनों डायगोनल्स को हम इक्वल रख सकते हैं. दोनों डायगोनल्स को इक्वल रखेंगे तो यहां फॉर्मूला क्या लगेगा, मिडपॉइंट का. मिडपॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2. अब यहां पर AC को हम देखें तो AC में x1 प्लस x2 -2 प्लस 4 बाय 2 और 1 प्लस बी बाय 2. तो ये हो गया y1 प्लस y2 बाय 2. ये हो गए AC के मिड पॉइंट्स के लिए. अब मिड पॉइंट ऑफ BD देखेंगे तो यहां पे क्या लगेगा, x1 प्लस x2 a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2. अब x कोऑर्डिनेट्स को हम इक्वल में रखेंगे, 4 माइनस 2 2 2 बाय 2 क्या हो जाएगा, 1. 1 को इक्वल में रखेंगे a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 के. यहां पर 1 प्लस b डिवाइडेड बाय 2 है, y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रखेंगे 0 प्लस 2 2 2 बाय 2 1. सॉल्व करेंगे इसे तो a प्लस 1 2 1 जा 2, a इज इक्वल टू 1 माइनस में जाएगा 2 माइनस 1 1, a की वैल्यू क्या है 1. 1 प्लस b बाय 2 2 मल्टीप्लाई में तो ये हो गया 1 प्लस b इक्वल टू 1 माइनस में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1. a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी सबसे पहले हमें, तो a और b की वैल्यू क्या है 1. आगे hence find length of its side, साइड की लेंथ हमें फाइंड करना है. तो यहां पर हम ए बी फाइंड कर लेते और बी सी फाइंड कर लेते, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होगी. तो यहां हम लगाते हैं लेंथ ऑफ ए बी. लेंथ ऑफ ए बी फॉर्मूला क्या लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. वैल्यूज पुट करेंगे, x2 माइनस x1 ए बी ले रहे, ए माइनस 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 2 का होल स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ए हमने फाइंड कर लिया, ए क्या था 1, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, ये क्या आ गया 9 प्लस 1 10, ये सॉल्व नहीं होगा, ये हो गया अंडर रूट 10. अब लेंथ ऑफ बीसी निकालेंगे, लेंथ ऑफ बीसी अगेन फॉर्मूला सेम रहेगा, वैल्यूज पुट कर देंगे, x2 माइनस x1 4 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 b माइनस 0 का होल स्क्वायर. यहां वैल्यूज पुट करेंगे, 4 माइनस a का वैल्यू क्या है 1, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b माइनस 0 b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 10 अंडर रूट 10. अब लेंथ ऑफ ab आया अंडर रूट 10, लेंथ ऑफ bc भी आया अंडर रूट 10,
तो यहां पर अपोजिट साइड्स भी क्या हो गया अंडर रूट 10, तो सारी वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास, सारी साइड्स क्या निकली है अंडर रूट 10। यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 थे, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1, 3 एंड 2, 7। यहां पे ये एक लाइन है ए बी मान लेते हैं इसको, ए पॉइंट है 1, 3, बी पॉइंट है 2, 7। एक लाइन जो डिवाइड कर रही है सेगमेंट को, तो ये लाइन जो है वो हमें गिवन है 3x + y - 9 = 0 है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये पॉइंट M है जो डिवाइड कर रहा है AB को K:1 में। अब हमें क्या बोला है, डिटरमाइन द रेशियो। रेशियो हमें डिटरमाइन करना है। सबसे पहले AB एक लाइन सेगमेंट है जिसे डिवाइड कर रहा है पॉइंट M K:1 में। यहां पे हम लिखते हैं लेट द लाइन 3x + y - 9 = 0 डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को हमने क्या माना है ए एंड बी, ए है 1, 3 एंड बी 2, 7 इन द रेशियो K:1। अब ये लाइन सेगमेंट जो है वो डिवाइड कर रही है M को, तो M के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं xy हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला mx2 + nx1 / m + n, ये क्या के लिए x के लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए my2 + ny1 / m + n। यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए mx2, m k है x2 2k प्लस nx1 1 × 1 / m + n क्या हो जाएगा k + 1। y कोऑर्डिनेट my2 k × 7 7k प्लस ny1 1 × 3 3 / k + 1। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो x और y हमारे लिए अभी ये है। अब इसको हम इक्वेशन में पुट कर सकते हैं x और y की जगह, ताकि हम रेशियो फाइंड कर लें। यहां पर इक्वेशन हमारे पास है 3x + y - 9 = 0। पुट करेंगे 3 × x की वैल्यू क्या है 2k + 1 अपॉन में k + 1 प्लस y की वैल्यू है 7k + 3 अपॉन में k + 1 -9 = 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 × 2 = 6k प्लस 3 × 1 = 3 होल के अपॉन में k + 1 प्लस 7k + 3 अपॉन में k + 1। 9 को इक्वल में ले जाते हैं तो पॉजिटिव 9 हो गया। यहां पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर की वैल्यूज प्लस हो जाएगी 6 + 7 = 13k प्लस 3 + 3 = 6 अपॉन में k + 1 आएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम, k + 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 में, 13k + 6 = 9k + 9 = 9। 13 के माइनस का 9 हो जाएगा, 13k - 9k = 9, 6 माइनस में गया। यहां पर 13 - 9 = 4k = 9 - 6 = 3, k = 3/4, तो रेशियो क्या आ गया 3:4। हमें रेशियो फाइंड करना था, यहां रेशियो हमने डिटरमाइन कर लिया। यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 थे, इफ द पॉइंट P xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A
a plus b comma b minus a and b a minus b comma a plus b. Prove that bx is equal to ay. यहाँ पर एक लाइन है ए बी जिसके पॉइंट्स हमें गिवन है. ए है ए प्लस बी कॉमा बी प्लस माइनस ए और बी है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी. यह हमारे पास क्या है एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू. पॉइंट ए जो ए बी को डिवाइड कर रहा है इक्वल रेशियो में. इक्विडिस्टेंट है मतलब इक्वल रेशियो में. इक्वल रेशियो क्या हो जाएगा 1:1. पी पॉइंट क्या है एक्स कॉमा वाई. अब हमें प्रूफ करना है बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई. तो हम यहां पे क्या लगा सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला. यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड होंगे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन. वाई का एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन. यहां पर एक्स का कोऑर्डिनेट ये है तो हम क्या रखेंगे एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू वन इन टू ए माइनस बी. ए माइनस बी प्लस एन एक्स वन वन इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एम प्लस एन क्या हो जाएगा वन प्लस वन टू. एक्स इज इक्वल टू बी से भी कैंसिल हो गया टू ए बाय टू टू से टू कैंसिल एक्स इक्वल टू ए बचा. अब वाई का कोऑर्डिनेट इक्वल एम वाई टू वन इंटू ए प्लस बी प्लस एन वाई वन वन इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन टू. y is equal to a से कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का b प्लस बी टू बी डिवाइडेड बाय टू टू से टू कैंसिल y कितना आ गया b. a आया है x आया है a y आया है b. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यहां पे हम पुट कर सकते हैं x by y is equal to a by b. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई. यहाँ पे हम चेक करेंगे हमें क्या बनाना था बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई. इसे हम लिख देते बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई. हमने प्रूव कर दिया यही हमें प्रूव करना था. यहाँ पर आ गया सेम वैल्यू बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 थी If the point C minus 1 comma 2 divides internally the line segment joining the points A 2 comma 5 and B x comma y in the ratio 3:4, find the value of x square plus y square. यहाँ पर if the point C जो है वो divide कर रहा है internally एक line segment AB को. AB एक line segment है. A के points हमें given है 2 comma 5 और B का x कॉमा y. C जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को. उस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है माइनस वन कॉमा टू इन द रेशियो 3:4. हमें फाइंड करनी वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की. तो x और y हमें फाइंड करना पड़ेगा. सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि ये जो है सेक्शन फॉर्मूला लगेगा यहां पर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन और एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन. 3:4 क्या है एम एन और ए कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन बी कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू. वैल्यूज पुट करेंगे यहां पर x और y हमें गिवन है x माइनस वन है. तो पहले x कोऑर्डिनेट रखेंगे हम एम एक्स टू एम एक्स टू थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स प्लस एन एक्स वन फोर इंटू टू एट डिवाइडेड बाय एम प्लस एन थ्री प्लस फोर सेवन. सेवन मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस सेवन इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस एट.
थ्री एक्स ये रहेगा, एट इक्वल में जाएगा, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन माइनस एट, थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री फाइव जा फिफ्टीन माइनस फाइव। वाई के लिए निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है, टू इक्वल वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, एम वाई टू वाई थ्री इंटू वन थ्री वाई प्लस एन वाई वन फोर इंटू फाइव फोर फाइव जा ट्वेंटी डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, एम प्लस एन क्या हो जाएगा, थ्री प्लस फोर सेवन, सेवन टू जा फोर्टीन इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस ट्वेंटी, ये ट्वेंटी माइनस में जाएगा, थ्री वाई इज इक्वल टू फोर्टीन माइनस ट्वेंटी, थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स माइनस का थ्री से ये कैंसिल टू टाइम, वाई इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई माइनस फाइव, वाई की वैल्यू हमारे पास आई माइनस टू, तो बी कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, जो एक्स वाई थे वो अब हो गए हैं माइनस फाइव कॉमा माइनस टू। हमें फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस माइनस प्लस, टू का स्क्वायर फोर माइनस माइनस प्लस, ट्वेंटी फाइव प्लस फोर ट्वेंटी नाइन, ये आया आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज हमने सिक्स टू टेन क्वेश्चन मतलब फाइव क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, इसी को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।